हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यानू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई रियली होप बहुत अच्छे होंगे। मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं क्योंकि धूप तेज पड़ रही है और ये डुगू मेरा लग रहा है एक्टिंग बाजी करने के लिए। डुगू क्या कर रहा है? डुगू बता देना ज़रा, डुगू बता देना ज़रा क्या कर रहे हो तुम, बता देना ज़रा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो डुगू, है क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो डुगू, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? दांते दिखा देता है, दो दांते दिखा देता है ये लड़का, दो दांते दिखा देता है। मेरे बाल अभी गाइस गीले हैं क्योंकि मैं अभी नहा के आई हूँ। सो कैसे हैं आप सब लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। वो चल रहा है सामने हमारे यहाँ स्कूल, तो इस स्कूल में से ऐसे ही आवाज़ें आती रहती हैं। शाम के सुबह के 7 बजे से शुरू होता है, शाम के 7 ऐसे ही बज जाते हैं। हाय हपड़ी होती रहती है इस स्कूल में। स्कूल कम, बच्चों का जेल खाना ज़्यादा लगता है ये आवाज़ के हिसाब से। हाँ ये मेरा बदमाश बेटा, मुझे परेशान करता रहता है ये लड़का मुझे परेशान करता रहता है। दो दांत दिखा देता है अपनी दो दांते। वो चाय पिएगा मेरा डुगू, और मेरा डुगू चाय पिएगा, और मेरा डुगू चाय पिएगा, और मेरा डुगू चाय पिएगा, मेरा डुगू चाय पिएगा। मेरा डुगू बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने बेटे को, बहुत प्यार, बहुत प्यार। ओ मेरा डुगू, ओ चलो 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 ओ चलो। सो गाइस मैं बना रही हूँ अभी चाय, आप लोग देख सकते हैं ये बन रही मेरी चाय है ना। आज मेरा मूड बहुत अच्छा हो रहा है। अगर डुगू के डैडी घर होते तो फिर हम कहीं बाहर जाते यार, थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि फीलिंग अच्छी अच्छी वाली आ रही है दिल में, तो जाते हम कहीं बाहर। बट ये है ना, ये सारे मूड को तहस नहस कर देता है। ये अलग ही अपना बैंड बाजा चलाता है, इसका होता ही अपना अलग है। रात को क्या हुआ, हम लोग बातें कर रहे थे हम लोग, तो मतलब अचानक से ऐसी कोई बात हो गई, अचानक से ऐसी बातें मतलब आ गई, छिड़ गई थी ऐसी बात कि मतलब जो बचपन में हम हॉरर मूवी देखा करते थे उन मूवियों की याद आ गई हमें अचानक से। अब मेरी तो वैसे ही फटती है फिर ऐसी चीजों से, तो मुझे अचानक से इन चीजों की याद आ गई। फिर ऊपर से ये दूध पी रहा था और दूध पीते पीते ऐसे ही कर रहा था जैसे अभी कर रहा है हूँ। इस लड़के ने मुझे इतना डराया, सच में बहुत डर गई थी मैं कल रात को, मुझे नींद नहीं आई पूरी रात में, डर डर के सोई थी। और कल रात को हमारी जो नीचे वाली आंटी है बेचारी वो भी नहीं थी घर पे, वो किसी शादी में गई हुई थी, तो कल रात को पूरे घर में हम अकेले थे, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। ऐसा है ये लड़का, ऊपर से इसके डैडा ऐसी ड्रामनी ड्रामनी आवाजें निकाल रहे थे कि मेरी हवा निकल गई थी कल रात को सारी, इतनी ड्रामनी ड्रामनी आवाजें निकाल रहे थे। हाँ क्या हुआ? हाँ हाँ बता तो सही क्या हुआ बेटा। चाय बना रही हूँ मैं, चाय पिएगा ना मेरा डुगू, मेरा डुगू तो चाय पिएगा है ना, मेरा डुगू चाय पीता है, ये इसको बस गोद चाहिए 24 घंटे दिन रात, बस इसको गोद में लेके रखो। आज अपन सो गए थे, आज मैं सुबह नहाई, नहाने के बाद फिर मैं सो गई थी, फिर सोने के बाद मतलब करीब मैं 11 बजे के करीब नहा ली थी, तो नहाने के बाद मैं सो गई डुगू को लेके। फिर अभी जगे थे हम थोड़ी देर पहले जब आंटी आई, तो 1 से 1.5 घंटे हम आराम से सो लिए आज, तो 1 से 1.5 घंटा हो गया हमें सोते सोते। तो आज दिन थोड़ा जल्दी निकल जाएगा सोने के बाद, क्योंकि दिल निकल जाता है, पता नहीं चलता दिन कहाँ निकल जाएगा। ओ, टर, 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 टर,
देख लो गाइस, इस तरीके से खड़ा रहता है ये। मैं किचन में कोई भी काम करती हूँ, ये इस तरीके से खड़ा रहता है ये लड़का, और ऐसे ही करता है जैसे अब कर रहा है, जैसे अब गाड़ी चला रहा है ना, ऐसे ही चलाता है। हाँ गाइस, सो अभी हम जा रहे हैं, मैं और डुगू थोड़ा सा मार्केट, कुछ काम है। डुगू के डैडी अभी आए नहीं हैं, उनको आने में अभी टाइम है, सोचा चलो हम ही जो लेके आना है वो हम ही लेके आ जाते हैं। क्या क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है, और वैसे भी सब कुछ घर में क्या आना है क्या नहीं आना वो मुझे ही पता होता है, उनको तो पता भी नहीं होता, फिर मुझे फ़ोन कर करके बताना पड़ता है दो दो तीन तीन बार। इससे अच्छा है कि मैं ही ले आऊँ, वैसे भी वो यार परेशान होके आते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना कि मैं उनको फिर यहाँ आके भी परेशान करूँ। तो मार्केट का काम मैं ही कर लेती हूँ, मैं ही जाके ले आऊँगी, इसी बहाने मेरा डिग्गू भी सबको देख लेगा। आया ले। सो गाइज, फिलहाल देखो हमारी चल रही है मस्ती, डुगू के डैडी आ चुके हैं और डुगू मेरा ये कह रहा है क्या कह रहा है, मुंह में कुछ ले रखा है इसने, बिस्किट है, मुंह में बिस्किट खा रहा है मेरा डुगू। डुगू का बर्थडे आ रहा है, डुगू का बर्थडे आ रहा है। आप लोगों को जैसे पता है कि दो दिन बाद डुगू का बर्थडे है, सो हम करेंगे छोटा सा डुगू का बर्थडे केक कट, और वो कैसे करेंगे कहाँ करेंगे ये हम आपको आने वाले समय में, आने वाले ब्लॉग में ज़रूर बताएंगे। सो बने रहिएगा, ब्लॉगिंग देखते रहिएगा, हर वीडियो देखिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।